तो भैया ये क्या चीज रखी है यहाँ पे? ये स्वीट होता है और बनता है जब गाय या भैंस का जो पहला बच्चा होता है और जो बच्चा का दूध पहला जो आता है तो वो दूध एक्चुअली गाय या भैंस का दूध इतना ज्यादा रहता है कि पूरा बच्चे को नहीं पिला सकता। पहले के टाइम पे दूध सब फ्री में दे देते थे, अभी आज के टाइम पे एक बिजनेस हो गया है और बिजनेस के हिसाब से कोई देता नहीं है। ये अभी अच्छे भाव में बिकता है, इसके हिसाब से दूध का जो लेन देन था वो लगभग ख़त्म हो गया है और इसलिए मार्केट में आ गया है। मलाई बनता है इसका। हाँ, ये मलाई बहुत स्वादिष्ट रहती है और शरीर के लिए भी हेल्दी है और प्योर रहता है, एकदम एकदम प्योर रहता है। इसमें खाली क्या मिक्स रहा है, दूध पानी शक्कर, और ये कुदरत का देन है कि आप जब इसको गैस पे गर्म करेंगे तो खुद जमेगा, अगर अच्छा दूध है तो खुद जमेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, ये दूध अगर डिलीवरी होता है 3-4 दिन लगातार बनता है। आप डेली या कैसे इसका इंतजाम करते हो? ये डेली एक्चुअली जो धनी लोग रहते हैं ना वो माल मंगाते हैं जबलपुर से। अच्छा, तो आपका पूरा खत्म हो जाता है एक दिन में ये? हाँ, खत्म हो जाता है, धंधा कभी कम रहता है बचता भी है। और कितना रुपए किलो मिलता है ये? ये 200 रुपए किलो मिलता है। 200 रुपए किलो? 200 रुपए किलो। और कितना किलो लगाते हैं दिन में? दिन में लगाता हूँ 15-16 किलो। 15-16 किलो जी सर, बिक जाता है, सेल हो जाती है एकदम आराम से। मलाई जो बन जाती है कितने दिन चलता है ये? अगर ताज़ा माल रहेगा तो 2 या 3 दिन में कुछ वांदा नहीं आता है। और ये मलाई अपने इधर बहुत दूर दूर तक जाती है, अपने इंडिया में तो सब खाते ही है, बाकी अदर कंट्री में भी जाती है। जैसे किसी कंट्री में जाती है, इसको बहुत शौकीन रहता है, इधर खाया रहता है अपने इधर से, तो लेके जाता है 0.5 किलो 1 किलो पार्सल करके, अमेरिका के लेके जाता है, कोई दुबई लेके जाता है। फायदे के रहते इसको खाने के? जितना विटामिन दूध में रहता है उतना रहता है, प्लस में थोड़ा शक्कर रहता है, जो डायबिटीज वाले रहते हैं ना थोड़ा वो कम खाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मीठा रहता है। बाकी जितना भी प्रोटीन कैल्शियम जो दूध में रहता है इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये पहला दूध रहता है और हैवी रहता है। तो देख सकते हो कितनी सारी मलाई की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, बर्फ़ के आसपास सारा ये लगा दिया क्योंकि जो ठंडा ठंडा मलाई रहता है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। एक पत्ते में कितना लग जाता है इसमें? एक पत्ते में ये ऐसा तो वेट से मिलता है 20 का 100 ग्राम 50 का 1/2 किलो। और पत्ता किस चीज़ का रहता है ये? ये पत्ता तो ऐसा तो अंजीर का रहता है, अभी ये थोड़ा ठंडा रहेगा, डिस्प्ले भी इसका लगेगा तो देखने भी अच्छा लगता है और ठंडा भी रहता है। तो अभी कटिंग करके देख सकते हो डिस्प्ले पे रखा जा रही है। अरे मैं क्या करता है, थोड़ा बोनी करने से पहले एजेंट का पैसा जमा रहता है तो ये डॉगी लोग को भी देता हूँ खाने के लिए। हाँ, ये लोग अपने आने से पहले ये लोग हमारा वेट करते हैं, बोनी हो नहीं हो लोगों को पहला दे देता हूँ। ये रोज़ का है और ये 15-16 साल से लगभग खाते ही है। कोई डाउट नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से सफाई की जा रही है, इसमें कुछ डाउट है नहीं, एकदम हंसते हंसते खाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। सबसे पहले पत्ता आ चुका है और पत्ते में हमारी मलाई लगाई जाएगी और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जाएगा। तो कितने रुपए का भैया? तो 30 रुपए का है। तो फाइनली मुंबई की स्पेशल मलाई यहाँ पे लग चुकी है। तो देखते हो ये एकदम प्योर मलाई जो कि आपको पहाड़ों में मिल जाएगी, जम्मू में मिल जाएगी, हिमाचल में मिल जाएगी और वहाँ पे भी लोग पत्ते में लगा के देते हैं, वैसे ही आपको मुंबई के घाटकोपर में खाने को मिल जाएगी। तो चलिए हम भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मलाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश है, एकदम स्वीट सी है। तो अगर आपको मीठा पसंद है, स्वीट में कुछ यूनिक टेस्ट करना चाहते हो तो इनकी मलाई आके टेस्ट कर सकते हो। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम मलाई मिल जाएगी तो एक जने के लिए काफ़ी है ये। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है आपकी दुकान की? 4 से लेकर 9 बजे तक इधर खड़ा रहता हूँ और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक खाऊ गली में, गांधी मार्केट घाटकोपर, घाटकोपर चौराहा मंडल के जगह पे। अगर आपको शादी के लिए ऑर्डर करना है, आपको अपने घर के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करना है तो आप भैया के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस एड्रेस पर आ सकते हो। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पर फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।